इस समय वैशाली से बड़ी खबर आ रही है। न्यायालय ने भाजपा MLC टूनाजी पांडे को नाबालिग लड़की से छेड़खानी मामले में किया दोष मुक्त। सिवान के भाजपा MLC टूनाजी पांडे को हाजीपुर व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी मामले में दोष मुक्त कर दिया है। बताते चले कि भाजपा MLC टूनाजी पांडे के खिलाफ हाजीपुर में बस 2016 के जुलाई माह में रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए ट्रेन से गिरफ्तार किया गया था। उस समय रेल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने रेल थाना कांड संख्या 61/16 दर्ज करते हुए एक नाबालिग लड़की से पूर्वांचल एक्सप्रेस में टूना पांडे द्वारा छेड़खानी मामले में गिरफ्तार किया गया था। टूना पांडे पर आरोप था कि उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस से AC प्रथम श्रेणी में बगल की सीट पर बैठी नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की है। गुरुवार को हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में स्पेशल जज पास्को ADJ प्रथम ब्रजेश नारायण मिश्रा ने कि न्यायालय ने टूनाजी पांडे के खिलाफ आरोप बेबुनियाद बताते हुए दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह मोहन थे, वहीं सरकारी के तरफ से अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा थे। अपने को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के बाद टूनाजी पांडे ने कहा कि हमें माननीय न्यायालय पर भरोसा था और आज हमें न्याय मिल गया। तो हमारी लोकतंत्र न्यायपालिका पर भरोसा है कि तो न्यायालय की सत्य की जीत है, खुशी तो सबको होती है, लेकिन हमको खुशी के साथ साथ हम इसमें खुश नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा ही दुखी हैं। दुखी ये हैं कि हमें गलत तरह से, गलत ढंग से प्रताड़ित किया गया, फंसाया गया, हमारी व्यक्तिगत छवि पर जो भी कुठाराघात किया गया, चलिए न्यायालय ने सारे कुछ देखते हुए हमको दोषमुक्त कर दिया है। तो हमारे देश के न्यायालय पर हमको भरोसा है, माँ विंध्यवासिनी पर भरोसा है, लेकिन जिन लोगों ने हमको फंसाने की कोशिश किया था, माँ विंध्यवासिनी उनको माफ़ तो नहीं करेगी, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उनको जरूर भुगतना पड़ेगा। कानूनी कार्रवाई या कानूनी कुछ कार्रवाई करने का सोच रहे हैं क्या, जो जिन लोगों ने जो जिस पर आरोप लगा रहे हैं आप फंसाने? देखिए, हम लोग बिल्कुल तहे दिल से धार्मिक व्यक्ति हैं, आस्तिक व्यक्ति हैं। हम लोग इस तरह से किसी को आज तक न कभी प्रताड़ित किए हैं, न किसी के साथ कोई अभद्र बात किए हैं, व्यवहार किए हैं, लेकिन जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने फंसाने की साजिश की, उनको माँ विंध्यवासिनी सजा देगी और हमारे स्तर से भी जो होगा, जैसे भी होगा, सजा उनको मिलेगा। ये हम निकालने की स्थिति में नहीं है कैसे सजा उनको मिलेगी, लेकिन सजा तो उनको मिलेगी जरूर, इसमें कहीं दो राय नहीं। उस समय घटना के समय आपने आरोप लगाया था तत्कालीन थानाध्यक्ष वगैरह पे फंसाने का, तो आप उस पर भी सहमत हैं क्या अभी? देखिए, अभी हम लोग न्यायालय परिसर में हैं, न्यायालय ने आज हमको दोषमुक्त किया है, बरी किया है, तो न्यायालय प्रक्रिया में अभी हमको कुछ कहना उचित नहीं होगा, तो समय आएगा तो अपने आप सब कुछ साफ हो जाएगा। 2016 का मामला था, इन पर आरोप लगा था कि ट्रेन में कुछ गलत आरोप लगा के इनको जेल भेजा गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा इनको जमानत की सुविधा मिली थी, उसी का विचारण चल रहा था। विचारण के दौरान न्यायालय ने इन पर से रिहा किया है, इन पर आरोप साबित नहीं हो सका और न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया। कौन है ये? MLC टूनाजी पांडे, मतलब सिवान के तत्कालीन MLC है भाजपा के। कौन कोर्ट दिए हैं? ADJ1 साहब के द्वारा रिहा किया गया है, श्री ब्रजेश नारायण मिश्रा के न्यायालय द्वारा। पापा, सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा, हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाए, तो आज ही संपर्क करें।